दोस्तों 2024 में पासपोर्ट इंडिया के द्वारा एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों पहले क्या होता था, जब आप एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते थे तब आप सिर्फ एक आधार कार्ड से अपना नया पासपोर्ट बना सकते थे, लेकिन दोस्तों अब से ऐसा नहीं होगा। अब आपको आधार कार्ड के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी एंड वो जो डॉक्यूमेंट होगा एज अ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। पहले आप बर्थ प्रूफ में भी आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते थे और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड को दे सकते थे, लेकिन दोस्तों अभी पासपोर्ट इंडिया के पोर्टल पे एज ए बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड वाले ऑप्शन को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। UIDAI के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपका बर्थ प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक आईडी प्रूफ है जो आईडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी आप एक नया आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो उस आधार कार्ड में साफ साफ लिखा रहता है कि ये आधार कार्ड आपका बर्थ प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों इसी वजह से पासपोर्ट में भी बर्थ प्रूफ के सेक्शन से आधार कार्ड को रिमूव कर दिया गया है। धीरे धीरे सभी जगहों से एज अ बर्थ प्रूफ आधार कार्ड को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको 2024 में एक नया पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एंड एज ए बर्थ प्रूफ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो दोस्तों एक नया पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना है एंड इसमें आपको सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। इससे सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही पासपोर्ट सेवा का यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे जहाँ से पासपोर्ट के सभी सर्विसेज का लाभ उठाया जाता है। तो दोस्तों एक नया पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे खुल के चला आएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है एंड अपना सर नेम फिल करना है, मतलब लास्ट नेम फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो आप ऊपर में ही फर्स्ट प्लस मिडिल नेम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना मंथ को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद अपना डेट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप अपना एक्टिव ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर देंगे। एक्टिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप ईमेल यहाँ पे फिल करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मैसेज जाएगा, ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्टिव ईमेल आईडी फिल करने के लिए बोल रहा हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करना है। दोस्तों अगर आप अपना ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वही आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। अगर आप दूसरा लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे एंड अपना अलग से एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम ही रखना चाहता हूँ अपना ईमेल आईडी की तरह। नेक्स्ट आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए इसे जानने के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पासवर्ड में आपका एक नंबर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और जो आपका पासवर्ड है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे एंड उसी पासवर्ड को इस कॉलम में भी फिल कर देंगे। नेक्स्ट हिंट क्वेश्चन में आपको कोई सा भी एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको मन करे एंड यहाँ पे उसका आंसर को लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में फिल करना है एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके आईडी और पासवर्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि उस ईमेल आईडी के लिंक के माध्यम से आप अपना आईडी पासवर्ड को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक दे दिया जाएगा अपना अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करते ही आपसे आपका यूजर आईडी यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आप अपना यूजर आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका यूजर आईडी ईमेल आईडी है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को फिल करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप फिर से पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे एंड अब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना लॉगिन आईडी या फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल
करेंगे एंड इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था, तो आप अपना पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप पासपोर्ट से रिलेटेड किसी भी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक नया पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेंट होम में, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको नीचे में क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पासपोर्ट टाइप में सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाइंग फॉर वाले ऑप्शन में फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। री इशू ऑफ पासपोर्ट उनके लिए है जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है एंड वो दोबारा अपना पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना दिया है, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल एंड तत्काल। तो दोस्तों इसमें भी आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नॉर्मल वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तत्काल का ऑप्शन उनके लिए है जो जल्दी पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं। नॉर्मल एंड तत्काल वाले ऑप्शन में ज्यादा दिनों का डिफरेंस नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिनों का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों तत्काल में आपको ज्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ता है। मैं इस पासपोर्ट को नॉर्मल तरीके से बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट है बुकलेट टाइप में, आपको यहाँ पे 36 पेज और 60 पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे 36 पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे क्योंकि 36 पेज इनफ होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आप 60 पेज पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स मांगा जाएगा। एप्लीकेंट डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको 1 by 1 करके सारा डिटेल्स को सही तरीके से कैसे फिल करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेंट डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप किसी और नाम से जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना दूसरा नाम का यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है दूसरा नाम फिल करना, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं, तो आप भी यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप इस कॉलम में भी आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जन्म तिथि को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जन्म स्थान इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने देंगे अगर आप इंडियन सिटीजन है तो। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना गाँव का नाम या फिर शहर का नाम फिल कर देंगे। स्टेट में आप अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना जिला का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मतलब वैवाहिक स्थिति। अगर आप शादीशुदा है तो आप यहाँ पे मैरिटल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो आप इसमें यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे अगर आप भारतीय हैं तो। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पैन नंबर मांगा जाएगा, तो दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। ये जरूरी फिल करना है इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे बाकी चीज में यहाँ पे रेड कलर में स्टार लगा हुआ है, लेकिन पैन और वोटर आईडी कार्ड में स्टार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या काम करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो पति हो पत्नी हो जो भी हो। अगर है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का, 7th पास या लेस का, 10th पास या एबव का और 8 and 9 स्टैंडर्ड। दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे सिंपली 10th पास एंड एबव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ पे 7th पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में चले आएंगे। नीचे में आप देख सकते हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी में यहाँ पे यस हो चुका है, जिसे हम लोग ईसीएनआर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे 7th पास या लेस पे क्लिक करते हैं या फिर 8th पास क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप ईसीआर कैटेगरी में चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 9 पे क्लिक हो चुका है। दोस्तों नॉन ईसीआर और ईसीआर पासवर्ड में एक बड़ा डिफरेंट ये होता है, दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट है ईसीआर बनेगा, मतलब इमरजेंसी चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट बनेगा। जिसका भी पासपोर्ट ईसीआर बनता है उसे किसी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाने में प्रॉब्लम होता है। घूरने के पर्पज से तो जा सकते हैं लेकिन जॉब करने के लिए नहीं जा सकते।
सकते हैं, उसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तभी वो लोग जॉब के लिए जा पाते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मैट्रिक पास है और आपका ECNR पासपोर्ट बनता है तो आपको किसी दूसरे देश में जॉब के लिए जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही बड़ा डिफरेंट होता है ECR पासपोर्ट में और ECNR पासपोर्ट में। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके शरीर में कोई निशान है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निशान को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे फैमिली डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फादर्स के फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे एंड लास्ट नेम को इस कॉलम में फिल करेंगे। उसी प्रकार से मदर नेम के फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे एंड लास्ट नेम को यहाँ पे फिल कर देंगे। फैमिली डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, इस कॉलम में आपको यहाँ पे अपना वर्तमान पता को फिल करना है, जहाँ भी अभी आप रह रहे हैं उस पता को यहाँ पे फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना पूरा एड्रेस को इस कॉलम में फिल कर देंगे। तो दोस्तों, एड्रेस में आपको यहाँ पे दो कॉलम देखने को मिल जाएगा, पहला हाउस नंबर वाला एंड दूसरा विलेज टाउन सिटी वाला। तो दोस्तों, आपको दोनों में मिला के अपना एड्रेस को फिल करना है। अगर यहाँ भी आप अपना गांव का नाम और यहाँ पे आप अपना गांव का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपका पासपोर्ट में दो बार गांव का नाम फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना विलेज और पोस्ट का नाम इस कॉलम में फिल करेंगे एंड थाना का नाम इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट का नाम फिल कर देना है, जिला का नाम को फिल करेंगे एंड उसके बाद अपना थाना का नाम को यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे एंड अपना ईमेल आईडी को इस कॉलम में फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस आपके पास है, तो यहाँ पे आप यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को फिल कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे मैं यस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सो दोस्तों, एड्रेस का डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपसे यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का डिटेल्स मांगा जाएगा। दोस्तों, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको उनका डिटेल्स को फिल करना है जो आपके घर के गार्जियन है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में किसी कारण के वजह से फंस जाते हैं तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के डिटेल्स पे ही संपर्क किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे गार्जियन का नाम को फिल कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे उनका नाम और एड्रेस को फिल करेंगे, उनका मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर उसके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे उनका ईमेल आईडी को भी फिल कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपका पहले पासपोर्ट बन चुका है या फिर अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है बट इशू नहीं हुआ है तो आप उस केस में यहाँ पे उसका डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली सभी ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड लास्ट में भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीनों में नो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे अदर डिटेल्स मांगा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें भी यहाँ पे यस नो के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस उनके लिए है जो क्रिमिनल है, जो कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं या फिर उसका पासपोर्ट डिनाइड हो चुका है या फिर कोई फॉरेन सिटीजनशिप है या फिर किसी के पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, तो उस केस में आप यहाँ पे यस के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसमें आपका जो पासपोर्ट का प्रीव्यू है, मतलब आपका पासपोर्ट जब बनेगा तो किस प्रकार से दिखेगा, उसका यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक बार अपने डिटेल्स को सही तरीके से यहाँ पे देख लेंगे कि आपने सब कुछ सही से फिल किया है कि नहीं। वैसे एक बार और प्रीव्यू लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। सब कुछ रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप आ जाएंगे लास्ट स्टेज में, यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ बर्थ, आप प्रूफ ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पॉलिसी बॉन्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और भी कई तरीके का यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आधार कार्ड के ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। प्रूफ ऑफ
ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में। पहले जब हम लोग एक नया पासपोर्ट को अप्लाई करते थे तो प्रूफ ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में भी आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अभी आप देखेंगे आधार कार्ड को पूरी तरीके से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आधार कार्ड से अपना पासपोर्ट को नहीं बना सकते हैं, आधार कार्ड के अलावा आपको यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास जो भी दूसरा डॉक्यूमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में भी आपको एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे प्लेस का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सभी डिटेल्स को सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेव माय डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन का पूरा डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट करके दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स शुरू से लेके अंत तक आपने फिल किया है सभी का यहाँ पे एक बार प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार सही तरीके से सब कुछ मिला लेना है, आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी है सभी चीज को एक बार मिला लेंगे। सब कुछ मिलाने के बाद आप नीचे आएंगे एंड यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड तब जाके यहाँ पे सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखने पे लगे कि आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आप यहाँ पे प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पीछे जाके आप यहाँ पे अपना डिटेल्स को सुधार सकते हैं। मैंने सब कुछ सही तरीके से मिला लिया है तो मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद चूज पेमेंट मोड में आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे सभी पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा एंड उसके सामने जो यहाँ पे पहला डेट खाली है वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लोकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस है उन सभी का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप जिस भी पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट को बनाना चाहते हैं उस पासपोर्ट ऑफिस को इसमें से सिलेक्ट करेंगे, इस कैप्चा कोड को इस कॉलम में फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में चले आएंगे। तो दोस्तों एक नया पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें से किसी एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस कैलेंडर में जो यहाँ पे हरा कलर में जो डेट लिखा हुआ है उस डेट को आप पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से किसी एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप पेमेंट वाले डैशबोर्ड में चले आएंगे। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड से या फिर अपना यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों 1500 रुपए का पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है। बुक होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट नंबर भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा एंड उसके बाद आप नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट टाइम भी दे दिया जाएगा। दोस्तों अपॉइंटमेंट डेट आप खुद से सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम है वो आपका पासपोर्ट ऑफिस तय करता है। ठीक है तो यहाँ पे मेरे केस में देखेंगे यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है 2:45 का टाइम दिया हुआ है। दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे टाइम दिया होगा उस टाइम से 10 से 15 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे तभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पासपोर्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस अपॉइंटमेंट रिसीट को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि एक नया पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब आप समझेंगे कि पासपोर्ट अप्लाई होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पहला आपका डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड होना जरूरी है प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे, ठीक है। एंड दूसरा में आप देखेंगे पैन कार्ड या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड के अलावा अगर आपके पास वोटर कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है तो आप अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाएंगे ओरिजिनल वाला, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप इसे
से नहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरीफाइड आधार कार्ड को लेके जाना है। दोस्तों डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आपको आधार कार्ड को इशू करके लेके जाना है। ये भी एक नया कानून लाया गया था कुछ दिनों पहले। अगर आप इसे नहीं लेके जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। डिजी लॉकर ऐप पे आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं आता वेरीफाई करना तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट रिसीट को भी लेके जाना है। जब आप पासपोर्ट अप्लाई किए होंगे तो लास्ट में जो एप्लीकेशन रिसीट जनरेट होता है उसका प्रिंट आउट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी आप वहाँ पे लेके जाएंगे। ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ सभी का फोटो कॉपी भी करा लेंगे, तभी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपके पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, ठीक है? तो आपको वहाँ भी जाके पुलिस वेरिफिकेशन करा लेना है। वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपका आधार कार्ड लिया जाता है और आपका साइन वहाँ पे लिया जाता है और वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही कम्प्लीट होगा आपका जो पासपोर्ट है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, 3 से 4 दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे चला आएगा। सो दोस्तों ये था कम्प्लीट प्रोसेस एक नया पासपोर्ट बनाने का। आई होप आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।